हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग अकाउंट्स में थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है अगर ओवरऑल पेपर देखें तो 50 में से कम से कम 25 क्वेश्चन जो है क्लास वो थियोरिटिकल क्वेश्चन आएंगे तो आज मैं कोशिश करूंगा विद इन थर्टी मिनट्स पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का जो थ्योरी पार्ट है जो बेसिकली आपको लर्न कर रहे हैं बड़ी दिक्कत होती है एक से के क्लास तीनों बुक के अंदर वो क्लास आराम से अभी कर लेते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना मिस मत करना हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना यानी कि आप चाहो तो टू की स्पीड में वन पॉइंट की स्पीड में देख लो लेकिन अच्छे से कंप्लीट थ्योरी जो है क्लास रिवाइज करके जरूर जाना बिफोर

प्रिंसिपल साथ में कोई बिजनेस होना चाहिए जो ऑर्डरी कोर्स में आप करते हो और प्रॉफिट की बात भी होनी चाहिए एनजीओ क्लास एनपीओ पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि क्लास वो प्रॉफिट की बात नहीं करते मिन कंडीशन क्या है क्लास दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए एक अग्रीमेंट होना चाहिए ओरल हो चाहे रिटर्न हो लॉफुल बिजनेस करें इलीगल काम तो वैसे भी नहीं कर सकते प्रॉफिट को शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है कोई एक्जिस्टेंस क्लास सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है पार्टनर्स में पार्टनर हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो क्लास दोनों को सेम ही माना जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है और बिजनेस चाहे कोई एक चलाए चाहे सब के हाँ चलाए जाए क्लास सारे के सारे लोग लायबल होंगे अगर मैं अधिकार की बात करूं भी रख सकता है, भी कर सकता है क्लास, करेगा, और कोई लोन उसने दिया है तो उस छह परसेंट का इंटरेस्ट भी वो चार्ज लेगा और क्लास पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है नया पार्टनर कोई भी आएगा तो पुराने सारे पार्टनर की सहमति चाहिए अगर मैं मना कर दूंगा तो नया नहीं आएगा तो मेरे पास राइट किसी नए को आने से छोड़कर बैलेंस होता है फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा मतलब कि वो जीरो भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है बट डेबिट कभी नहीं होगा लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है और जीरो तो किसी का भी हो सकता है ठीक है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखना गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में आपको ये बात ध्यान रखना है क्लास की अगर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा कुछ नहीं लिखा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई इसमें क्लास इक्वल नहीं बांटेगा अगर गारंटी का कुछ नहीं लिखा है तो क्लास ओल्ड रेशियो में ही बियर करेंगे और जब भी क्लास आप गारंटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो डेट ऑफ कमेसमेंट को जरूर ध्यान रखना कि बिजनेस कब चालू किया है साल भर का प्रॉफिट का गारंटी अस्सी हजार दिया है और स्टार्ट ही नौ महीने बाद किया बिजनेस तो तीन महीने का निकाल लेना कि नौ महीने बाद किया है तो तीन महीने का कितना गारंटी बनेगा एटी थाउजेंड का गारंटी मिला है ना तो तीन महीने छह महीने निकाल लेना क्लास बिजनेस कब से कमेंस हो रहा है कब से स्टार्ट हो रहा है वो जरूर देख लेना राइट थर्टी टू एक्ट कहता है क्लास कोई कोई भी माइनर पार्टनरशिप एडमिट नहीं हो सकता यानी कि क्या कहता है क्लास सेक्शन थर्टी प्रोवाइड दैट दो अ माइनर कैनॉट भी एडमिट इंट इन टू पार्टनरशिप फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑफ ऑल पार्टनर्स टाइम क्लास ही मे बी एडमिटेड ऑन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए सारे पार्टनर की सहमति से वो पार्टनर बन सकता है अगर सब लोग हाँ कर दे तो और क्लास यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई सारे के सारे माइनर मिलकर पार्टनरशिप नहीं बना सकते देयर मस्ट बी पार्टनरशिप इन एक्सिस्टेंस बिफोर अ माइनर यानी

जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं जब अपने बिजनेस को बेचते हैं या फिर जब पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में फिर क्लास जब अमाल गमेशन करते हैं दो बिजनेस जुड़ के क्लास एक बड़ा बिजनेस एस और वाई जुड़ के एक्स एंड वाई बना लेते हैं यानी कि उसको बोलते हैं अमाल गमेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन तब हम लोगों को गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है अब हमारी गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग है सबसे पहला मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल अच्छी होगी लोकेशन अच्छी जगह आपका बिजनेस है गुडविल अच्छी होगी कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो उसको टाइम पर पूरा करते हो तो गुडविल अच्छी होगी आपका लंबा बिजनेस बहुत पुराना सौ साल पुराना बिजनेस है नाम अच्छा होगा गुडविल अच्छी होगी भरोसा बढ़ेगा क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो अच्छी क्वालिटी का सामान बेचते हो तो भी गुडविल अच्छी होगी तुम्हारे पास परफॉर्मेंस अच्छी है तो भी गुडविल अच्छी होगी गुड कस्टमर रिलेशन तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं कस्टमर के साथ तो भी गुडविल अच्छी होगी तुम सेल्स के बाद भी सर्विस देते हो यानी कि माल बिक्र के बाद ग्राहक को पूछते नहीं है ना तो आप सेल के बाद सर्विस देते हो तो भी आपकी गुडविल अच्छी होगी अगर बात करें क्लास कोई भी बिजनेस फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब कब होता है फर्म का पुनर्निर्माण कब होता है जब कोई एडमिट होता है जब कोई रिटायर होता है जब किसी की डेथ होती है प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है फिर अमाल होता है

चलाएगा तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है और या फिर क्लास अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो वेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल यानी कि इलीगल होने लगा तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे तो कंपलसरी इन दोनों केसेस में कंपलसरी रिजोल्यूशन होता है अगला क्लास बाई नोटिस यानी कई बार क्या होता है नोटिस के थ्रू भी हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं कि ठीक है यार हम बंद कर रहे हैं अगली बात है इवेंट इन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कोई ऐसा इवेंट हो गया किसी की डेथ हो गई इंसॉल्वेंसी हो गया क्लास वेंचर कंप्लीट हो गया हमने सोचा था पांच साल चलाएंगे पांच साल पूरा हो गया ऐसा कोई भी और रीजन हो सकता है कोई ऐसा इवेंट आ जाए इनमें से या कोई अदर इवेंट जिसकी वजह से क्लास हम बिजनेस को बंद कर देंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तो कभी कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि भैया कोर्ट का ऑर्डर क्लास सबसे ऊपर है ध्यान रखना सबसे ऊपर तो कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया बिजनेस बंद कर लो जब एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए दिमागी अवस्था खराब हो जाए जब एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए अपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता पार्टनर से कुछ ड्यूटीज होती हैं ठीक है मैनेजमेंट में आना डील करना बुक्स ऑफ अकाउंट देखना या जो भी ड्यूटीज और अलग अलग ड्यूटीज होती हैं वो इनकेपेबल हो गया परमानेंटली मतलब पागल हो गया एक तरीके से इसके अलावा क्लास जब गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कुछ गलत आपने किया और पकड़े गए कंटिन्यूसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते चले जा रहे आपने

सारे इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया मतलब मैं एक पार्टनर हूँ एक बिजनेस में मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आज से तू जाना हर चीज़ तू करना मेरे बिहाफ में मैं पार्टनर हूँ मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ ये पार्टनर के पास राइट नहीं है क्लास तब बिजनेस बंद हो जाएगा कोई और रीज़न जो कोर्ट को लगता है कोर्ट ने खुद को सेफ रखा है कोर्ट ने कहा कि इनके अलावा मुझे भी कभी भी लगेगा तो मैं क्लास नोटिस भेज दूंगा बंद करने के लिए तो यानी क्लास कोई और रीज़न भी इनके अलावा हो सकता है जो कोर्ट को जस्टिफाई लगे वो बिजनेस को बंद करवा सकते हैं आपके ऑफ़ फॉर्म पूरा बिजनेस बंद हो गया सब कुछ बेच बाज दिया आपने राइट और ये पार्टनरशिप पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई नई पार्टनरशिप बन गई एबी की खत्म हुई एबीसी की बन गई एक्स वाई जेड की खत्म हुई और क्लास एक्स जेड की बन गई राइट तो डिजोल्यूशन पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है क्लोजर ऑफ द फॉर्म And end of the business. It means change in the business relationship. Sir, relationship change ho raha है, firm continue है, right? Business continue, business of the firm comes to an end, business band ho जाता है इसमें. लेकिन class यहाँ business चलता रहता है. Economic relationship किसी भी partners के बीच में नहीं रहता है, जबकि partners के बीच economic relation change होता है बस. Profit share ratio change होता है. Closure of accounts, books of accounts have to be closed. Books of account को close करना है, जबकि books of accounts need not to be closed. यहाँ पे books of account को close करने की जरूरत नहीं है. अच्छा अगला क्या है क्लास, क्लास, को बेचोगे लाइबिलिटी की आप पेमेंट करोगे इसके अंदर यही होता है ना और जो है पार्टनर को दे दोगे इसके अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटी रीवैल्यूट दोबारा वैल्यूशन किया जाता है इसका और गेन और लॉस जो भी है वो पार्टनर्स में बांटे जाते हैं इफेक्ट की बात करूँ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बंद होना मतलब पार्टनरशिप भी आप ही बंद हो जाएगी जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो गया तो पार्टनरशिप थोड़ी रहेगी जब फॉर्म ही बंद होगा पार्टनरशिप बंद लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ़ पार्टनरशिप अगर है तो फॉर्म बंद नहीं होगा फॉर्म चलता रहेगा राइट फॉर्म कंटिन्यू करेगा अच्छा एक चीज और तुमको क्लास कई बार डिफरेंस पूरा नहीं पूछ के तीन चार बेसिस बोलेगा इस बेसिस पे इस बेसिस पे इस बेसिस पे डिफरेंस लिखो तो अपनी नॉलेज से बना बना के लिखना कोर्ट इंटरवेंशन पूछेगा इसी में से ही क्लास यहाँ पे अपनी इच्छा से भी हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं और कोर्ट भी हमें कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य डिसोल्यूशन विघटन कह सकता है लेकिन क्लास जो रिलेशनशिप चेंज होता है एडमिशन रिटायरमेंट का वो हमें कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं देगा वो क्लास वॉलेंट्री होता है वो हम अपनी इच्छा से करते हैं ओके रिलाइजेशन अकाउंट का नेचर जो है क्लास नो

मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड भी नाइंटी परसेंट क्लास शेयर अपलीकेशन मैंने एक वीडियो में क्लास बोल दिया था नोमल अकाउंट है क्लास शेयर एप्लीकेशन क्लास नोम अकाउंट नहीं है क्लास शेयर वो एक तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट है आप ये ध्यान रखना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे अकाउंट है क्लास पर्सनल अकाउंट है इनकेस ऑफ मिनिमम सब्सक्राइब इज मिनिम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन फिफ्टीन डेज ध्यान रखना पंद्रह दिन के अंदर क्लास रिफंड कर दो नाइन्टी परसेंट की एप्लीकेशन नहीं आई तो यहां से इंडाक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बस ध्यान रखना अपल्लीकेशन नाइन्टी परसेंट अमाउंट हमारे पास आना ही चाहिए कम से भी कम टिल द डेट होल एप्लीकेशन मनी इज सेव इन एस्क्रो अकाउंट जब तक क्लास हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आती हम उस पैसे इंटरेस्ट शैल बी पेड पंद्रह परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा शेयर होल्डर को अगर तुमने क्लास उनका पैसा डेज रिफंड नहीं किया तो अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर

पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इसमें लिखा है क्लास शेयर्स आर्टिकल ऑफ कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडें इक्विटी शेयर होल्डर होल्डर ऑफ प्रेफरेंसर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट पहले पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें प्रेफरेंस वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेटिंग नहीं कर पाएंगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर गिविंग इक्विटी शेयर होल्डर्स और एंड डिविडेंड पेड आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस मिलाकर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से आपने जो इक्विटी वाले को दे दिया उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा है उसमें अगर प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पार्टिसिपेटिंग है नहीं करते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है कन्वर्टेबल जिन प्रेफरेंशियर्स को नियर फ्यूचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिन एक प्रेफरेंस जिन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और जिन इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं जिन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिन शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंसर्स और जिनको रिडीम नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इन रिडीमेबल प्रेफरेंसियस अगर मैं इंडिया की बात करू तो यहाँ पे मैक्म की है यानी कि जिस दिन आपने शेयर्स इशू किया है विद इन ट्वेंटी डे ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के अंदर अंदर उनका पैसा लौटाना ही पड़ेगा आपको इन रिडिबल प्रेफरेंस शेयर आर द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर इन सच द कंपनी इज अप ताले बंदी होगी तब बट कंपनी एक्ट थाउजेंड थर्टी डज नॉट परमिट क्लास कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन को परमिट नहीं करता है तो कौन से शेयर्स को परमिट करता है कंपनीज एक्ट रिडीमेबल प्रेफरेंसेज को जिनको क्लास रिडीम कर सकते हैं जिनका पैसा उनको लौटा सकते हैं और ये वाला होता है क्लास पैसा लौटाएंगे नहीं जब बंद होगा तब पैसा मिलेगा कंपनी जब बंद होगी तब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैसे कहते हैं नंबर ऑफ शेयर अपलाई आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर सीधी सी बात है तीन केस है कुछ को रिजेक्ट कर दो कुछ को फुल कुछ को प्रोराटा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है क्लास

एरियर ऑफ डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो एरियर ऑफ डिविडें मिलेगा लेकिन प्लस यहाँ पे एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है ध्यान रखना एरियर ऑफ डिविड सिर्फ प्रेफरेंस को मिलता है वो भी जो क्यूमुलेटिव है जो नॉन क्यूमलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनको एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है राइट right? नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी इट कैन भी कन्वर्टिन टू इक्विटीशियस और ये कन्वर्ट नहीं होता इसका इसका बैक होता है ये कन्वर्ट नहीं होता रिडमशन की बात करें ये रिडीम होता है क्लास और इनका क्या होता है कंपनी वापस ख़रीद लेती है वोटिंग राइट right, इनके पास क्लास कोई वोटिंग राइट right नहीं है और इनके पास वोटिंग राइट्स होता है किसी खास स्पेशल सर्कमस्टान्स में ही होता है बस वैसे नहीं होता इनके पास हमेशा वोटिंग राइट right होते हैं कंपनी के अंडर के लोग होते हैं इक्विटी अगर मैं राइट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करूँ नो राइट इन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भैया तुम डिविडेंड लो अपना घर जाओ ये कंपनी के अंदर के लोग हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं रिडमशन ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रिपेड बिफोर द इक्विटी इसको पहले पैसा लौटाओगे जबकि क्लास इसको हम लोग एक प्रेफरेंस के बाद लौटाएंगे ये बाहर वाले भैया इनको पहले लौटा दो इनको पहले डिविडेंड दे दो इक्विटी वालों में ऐसा नहीं है ठीक है नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल कैपिलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान समझना इसके डिफरेंस में कोई कंजूसी मत करना अच्छे समय देके के क्लास इसको समझते हैं ये आ सकता है एग्जामिनेशन में सुनो मेरी बात तुमने फॉरफीचर में तो देखा ही है जो भी एक्सेस अमाउंट जो फॉरफिट में आ गया हम उसको कहाँ डालते हैं कैपिटिज्म ये वही कैपिटिज्म है लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या है कि मान लेते हैं क्लास की मेरे जो एप्लीकेशन है वो पाँच रुपये है अलॉटमेंट तीन है और फर्स्ट कॉल है दो शेयर दस का है कंपनी ने अभी आठ ही मंगवाया कंपनी कहती है हम शेयर होल्डर से भी आठ ही लेंगे आठ पेड टू अनपेड ये दो रुपये हम तब मांगेंगे जब हमें मुसीबत आएगी जब कंपनी बंद होगी तभी मांगेंगे तो ये जो दो रुपए क्लास इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल इट इज अ पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल जो पैसा मंगवाया नहीं है विच नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इवन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया भैया तालेबंदी होगी तभी पैसा मंगवाएंगे अभी नहीं मंगवाएंगे शेयर होल्डर से पैसा अभी नहीं चाहिए हमें पैसा हाँ हमारा शेयर दस का है बट एट पेड अप है टू अनपेड है उसी अनपेड को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल और ये वो है क्लास जो फ्री रिजर्व में बांट नहीं सकते दिस इज द पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज यानी yani ये free नहीं है क्लास इसे डिविडेंड बांटो इससे क्रिएशन की बात करिए अनकोल्ड कैपिटल है ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अब इशू पे जो शेयर इशू पे जो फॉरफिट किया है, ये capital का है, ये रोज का काम नहीं है ना ये धंधा है कंपनी का करने का वो तो आ गया प्रॉफिट मैंडेटरी की बात करें नॉट मैंडेटरी क्लास रिजर्व कैपिटल मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाँ अगर एक्सेस प्रॉफिट आया तो उसे कपिटिलजर्म में डालना जरूरी है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस इससे क्लास कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं करते जबकि कैपिटल रिजर्व से क्लास अभी कैपिटल नहीं का प्रॉफिट हुआ तो आपने कमाया अब लॉस होगा तो उससे राइट ऑफ ही तो करोगे रेजोल्यूशन इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है कंपनी में क्लास दो तरह के रेजो्यूशन होते हैं ऑर्डिनरी और स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फिफ्टी से ज़्यादा वोटिंग चाहिए होता है अगर दस में से छह बोल देंगे चल जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन में सौ में से छिहत्तर बोलेंगे तभी चलेगा तो यहाँ कि यह खतरनाक है थोड़ा इस पर वोटिंग लेना बड़ा मुश्किल होता है स्पेशल रिजर्वेशन है यहां की बात करें क्लास ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नॉट शीट में नहीं आता रिजर्व कैपिटल जबकि इट इज डिस्कलोज अंडर द हेड ऑफ सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड में आता है क्लास इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है गुजारिश है कॉमेंट सेक्शन में जाओ एक मैं भी याद करवा रहा हूं तुम इसे क्लास लिख के दिखाओ ठीक है मैं याद कर लिख के दिखाओ सबसे पहली बात है क्लास सेक्शन फिफ्टी टू सब सेक्शन टू कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आप यहीं यहीं पर यूज कर सकते हो सबसे पहला फुल्ली पेड बोनस शेयर नॉट पार्टली पेड फुल्ली पेड फुल्ली पेड बोनस शेयर मतलब कंपनी ने आपको बोनस शेयर दे दिया फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए आपसे फुल्ली पेड है ठीक है दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं प्री एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस

प्रिलिमरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू प्रीमियम्शन और बाई बैक एडम्शन पे जो प्रीमियम होता है ना क्लास, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन दडम्पन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स और एनी डिबेंचर्स तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू प्रीमियम ऑन एडम्शन बाई बैक प्रिलिमरी एक्सपेंसिस और बोनस इशू लिखो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में एक बार इसे देख लो वीडियो पॉज करके और लिख लो अभी खत्म करो इसको अभी याद कर लो ठीक है कुछ और बातें हैं जो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्लास आपको चांसेस बहुत कम है इसके लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स शेयर कहते हैं क्लास जब कंपनी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही क्लास शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स ठीक है और तीन साल तक क्लास उसका लॉक इन पीरियड होता है तीन साल तक के अंदर क्लास वो शेयर्स आप बेच नहीं सकते इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं क्लास ठीक है इनिशियल पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं मेकिंग एन आईपीओ जब पहली बार क्लास जनता से पैसा उठाया जाता है दैट इज कॉल्ड आईपीओ इंटरेस्ट इन कॉल से टेबल एफ कहता है दस अगर गिवन नहीं है आर्टिकल में तो और इंटरेस्ट कॉल

एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान शेयर होल्ड जो कंपनी के एम्प्लॉज हैं अच्छे एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको लंबे समय तक रोकने के लिए वर्कर के लिए नहीं है एम्प्लॉज स्टॉक है वर्कर स्टॉक नहीं है उनको लंबे समय तक रोकने के लिए क्लास उनको सस्ते दाम पे शेयर्स दिया जाता है और कभी कभार ये शेयर्स जो है फ्री भी हो सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट होता है इसको बोलते हैं ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और ये ईसॉप e एक स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट होता है स्वेट इक्विटी का मतलब जिन लोगों ने कंपनी के लिए बहुत पसीना बहाया खून पसीना बहाया बहुत मेहनत करी है कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के प्रमोटर्स उन सबको कल कंपनी फ्री में शेयर इशू कर सकती है वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है लेकिन प्रमोट लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो डिस्काउंट में इशू होता है कई बार 100 परसेंट डिस्काउंट यानी कि फ्री में शेयर इशू कर दिए जाते हैं स्वेट इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन ईशॉप इट इंक्लूड्स ऑल दी शेयर्स इशू टू प्रमोटर फॉर इनकोऑपरेटिंग कंपनी कंपनी को इनकोपरेट करने के लिए जो शेयर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं क्लास ई सॉप इस खर्चे को बोलते हैं क्लास यहां पे इन कोऑपरेटिंग एक्सपेंस और ध्यान रखना क्लास कंपनी जो शेयर होल्डर्स को स्टॉक uh, का एक देती वो है वो ऑप्शन है इट इज़ नॉट मैंडेटरी इट इज़ एन ऑप्शन नॉट ओब्लीगेशन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम इज़ एन क्लास ऑप्शन ग्रांटेड क्लास ऑप्शन ग्रांट करती है बाई कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय होल टाइम डायरेक्टर ऑफिस जो क्लास ऑफिसर्स है जो कंपनी है क्लास मतलब टॉप लेवल के लोग हैं उनको कि भाई लोअर प्राइस पर हम आपको शेयर्स दे, दे देंगे मार्केट प्राइस सौ रुपये आपको सत्तर में दे देंगे अगर आप पाँच साल तक काम करते हो तो तो कंडीशन भी लगा दी कि आप छोड़ के नहीं जा सकते शेयर्स अंडर ई स्कीम लॉक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर कम से कम एक साल तक क्लास आपको लॉक रहेगा सो एट इक्विटी शेयर्स कैन बी बीश्योर डिस्काउंट इवन हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट ओके इस सब में टर्न ग्रांट डेट जिस दिन हम लोगों के बीच बात हुई है कि भैया हम आपको शेयर्स देने वाले हैं दिस इज कॉल्ड ग्रांड डेड वेस्टिंग डेट कौन सा होता है क्लास जिस दिन क्लास आपका कंडीशन पूरी हो जाएगी हाँ भैया आपने तीन साल पांच साल रह लिया पूरा का पूरा, का, पूरा काम कर लिया वेस्टिंग पीरियड कितने साल काम करना है इसे कंडीशनल सर्विस पीरियड बोलते हैं पांच साल काम करोगे तो ही तुम्हें शेयर्स मिलेंगे सस्ते दाम में तो पाँच साल को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड लेकिन पाँच साल आज पूरे हुए तो कुछ समय और देंगे कि भैया चलो इतने दिन में शेयर खरीद लेना सस्ते दाम में है ना पैसे तो फिर भी देना ना दाम तो सस्ता ही हुआ है तो क्लास उसको बोलते हैं क्लास एक्साइज पीरियड क्या बोलते हैं एक्साइज पीरियड इस सब देने का ऑब्जेक्टिव क्या है एम्प्लॉय को इंस्पायर करना ताकि ज्यादा पार्टिसिपेट हो एक मॉनिटर इंसेंटिव है मोटिवेशन के लिए और लंबे समय तक

सेबी प्रिस्क्राइब दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25 परसेंट ऑफ द इश्यू प्राइस 25 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए इन कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है क्लास 5 परसेंट ध्यान रखना ये रेट वैसे एग्जामिनेशन में ज्यादा डीप पूछेगा नहीं चिंता नहीं करो एक महीने का टाइम जरूर होना चाहिए दो कॉल के बीच में और एक कॉल जो है वो पच्चीस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चौदह दिन का नोटिस जरूर देना है क्लास शोल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले फोर्टीन डेज का नोटिस कितने दिन का फोर्टीन डेज का इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वन कंपनी इशू डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑप्टेन अ लोन इज नज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर टाइप की बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिचर्स दो टाइप के होते हैं कौन कौन सा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जिन जिन डिवेंचर पे क्लास कुछ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज लगवाए फिक्स चार्ज मतलब कंपनी के फिक्स असेट पर आपका अधिकार आप उसे बिकवा सकते हो फ्लोटिंग चार्ज मतलब कंपनी के करंट असेट पे आपका अधिकार है आप उसे बिकवा सकते हो तो मैं सेफ रहूंगा क्लास में बोलता हूँ सिक्योर्ड डिवेंचर्स अनसिक्योर्ड किसे कहते हैं दीज आर डिबेंचर्स दैट आर नॉट सिक्योर्ड बाई एनी चार्ज कोई चार्ज नहीं है भाई हमने कंपनी को पैसा दे दिया है राम भरोसे मिलेगा <coughs> मिलेगा नहीं तो नहीं उसको बोलते अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स फिक्स एसट पर जो चार्ज होता है उसे फिक्स चार्ज बोलते हैं करंट एसट पर जो चार्ज होता है उसे फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं रिडमशन पॉइंट ऑफ जिन डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है उसको बोलते हैं रिडमशन डिबेंचर और जिन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया जाता उनको बोलते हैं क्लास इर डिबेंचर्स जैसे इर प्रेफरेंसेस था वो अलाउ नहीं है क्लास यहाँ पे जब कंपनी बंद होगी तब तो आपका पैसा लौटाएगी उसको बोलते हैं इर जिन डिबेंचर्स का पैसा लौटाओगे उसको बोलते हैं रिडीमेबल जिनका पैसा नहीं लौटाओगे उसको बोलते हैं इ नहीं लौटाओगे मतलब कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा मिलेगा रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन डिबेंचर्स का नाम कंपनी की लिस्ट में रिकॉर्ड हो गया उसको बोलते हैं क्लास रजिस्टर्ड डिबेंचर और जिन डिबेंचर्स का नाम लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं है सिर्फ एक कागज है तुम्हें मिल गया तुम्हारा किसी और को मिल गया उसको उसका हो जाएगा वो सॉकेट की तरह है, उसको बोलते हैं डिबेंचर डिबेंचर मेरे तुम्हारा डिबेंचर लेकिन जिसपे नाम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्लास रजिस्टर्ड डिबेंचर फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी जो डिबेंचर्स फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और जो डिबेंचर्स फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे उनको बोलते हैं क्लास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डीज डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स अगर पार्ट सिर्फ आधा डिवेंचर कन्वर्ट होगा या एक परसेंटेज कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पूरे डिवेंचर कन्वर्ट हो गया क्लास इक्विटी शेयर्स में उसको बोलते हैं क्लास नॉन सॉरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन केस ऑफ इशूइंग डिचर अगर तुम्हारा परचेस कंसेशन ज्यादा है नेट असट से बैलेंस गुडविलेगा और परचेस कंसेशन कम है नेट नेट जो है वो ज्यादा है तो बैलेंस जो है वो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व इफ कैपर्वेंचर रेडीमेड मत क्लास किसी भी कंडीशन में भूलना मत पक्का आएगा हंड्रेड परसेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन ऑनशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट होगा और प्रीमियम ऑन ऑनमशन ऑफ डिवेंचर कैसा लॉस है कैपिटल लॉस है एंड इट इज शोन एज मेन हेड एंड नॉन क्रेट लाइबिलिटी सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक पर्सनल अकाउंट है क्या है क्लास ये पर्सनल अकाउंट डिशल अप्रोच से और लाइब्रेड अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच से एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को पहले एसपीआर से राइट ऑफ करोगे फिर दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पिंडल से यही दो कंडीशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करता है हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है इंसान फ्यूचर जानना चाहता है एस्टिमेट्स यानी क्लास कुछ अंदाजा लगाया जाता है एस एल एम लेना है डब्ल्यू डब्ल्यू लेना है असड की लाइफ कितनी होगी तो ये एक्यूरेट नहीं है इसमें बहुत अंदाजे लगाए जाते हैं अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस को यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है हर चीज कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है भले ही क्लास सन दो में किसी असड की कीमत पांच लाख है आज उसकी कीमत करोड़ है लेकिन ये फिर भी पांच लाख ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट पी एंड एल यानी इनकम स्टेटमेंट हो गया बैलेंस शीट हो गया नोट्स अकाउंट्स हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया चार होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन्हें एनालिसिस करने के लिए स्टडी करने के लिए हमारे पास टूल होते हैं क्या कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट रेशियोज एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट टूल भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहला एक्सटर्नल एनालिसिस कंपनी के बाहर वाले लोग हमारी कंपनी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने निकाली हैं उसके दम पे जब आप किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हो आप मेरे बारे में जो बात करते हो ना वो एक्सटर्नल एनालिसिस है लेकिन मैं अपने बारे में जो बात करता हूँ मेरी कमी कम कहा है मेरी स्ट्रेंथ कहां पर मुझे कैसे इंप्रूव करना है मुझे क्या अपनी गलती सुधारनी है तो वो क्या है इंटरनल एनालिसिस जो कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट कंपनी की क्लास अंदर एनालिसिस करता है बहुत डिटेल में और यहाँ पे क्लास डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है अंदर, 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 अंदर तक की बात अब मेरे बारे में जितना मैं जानता हूं तुम थोड़ी जानते हो तो उसको क्या बोलते हैं क्लास इंटरनल एनालिसिस ये मोर डिटेल रहता है हॉरिजेंटल डायनामिक इसको शॉर्ट में एच डी याद करना ये ध्यान रखना ये टाइम सीरीज होता है इसमें कई सारे ईयर का डेटा लिया जाता है और सेवरल ईयर होता है टाइम सीरीज होता है ये एच डी हॉरिजोटल डायनामिक और इसमें कई सारे ईयरस का इन्वॉल्वमेंट होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए होता है और इसके एग्जाम्पल है कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट इसको हॉरिजोटल एनालिसिस बोलते हैं कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ या फिर मैं अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ वर्टिकल स्टडी क्या होता है इसमें सिर्फ डेटा एक साल का ही लेते हैं वी एस वर्टिकल स्टेटिक इट इज अ क्रॉस सेक्शनल इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का एग्जांपल है क्लास अकाउंटिंग रेशियोज ठीक है अब रेशियोज में जो जीपी लोगे वो जिस साल के लोगे सेल्स भी उसी साल का लोगे ना क्लास ये तो ना जी किसी साल का सेल किसी साल का ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो क्लास होता है ना क्रॉस सेक्शनल इसमें सिर्फ सारा डेटा एक साल के लिए आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल या स्टेटिक एनालिसिस इंट्राफॉर्म जब मैं खुद से अपना कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं अपने दो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ उसको बोलते हैं क्लास इंट्राफॉम और इंटर फॉर्म किसको कहते हैं क्लास इंटर फॉर्म यानी कि इट कम कंपेयर द फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ टू और मोर एंटरप्राइज और फॉर्म इट डिटरमाइन देयर कॉम्पिटेटिव पोजीशन। व्हेन स्टेटमेंट आर टू फॉर्म जब क्लास एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है एक्स लिमिटेड कर रही है वाई लिमिटेड से ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं क्लास इंटर फॉर्म जब मैं खुद से कंपेयर कर रहा हूँ अपने पुराने ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ इंट्रा फॉर्म लेकिन मैं किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ उसको बोलते हैं इंटर फॉर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री के बेसिस पर बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कुछ इंपॉर्टेंस है सबसे पहला ये असर्टेन करता है कितना कैश ऑपरेटिंग से मूव हो रहा है आ रहा है जा रहा है इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से ये प्लानिंग करने में आपकी मदद करता है ये हेल्प करता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने में और सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करने में लिक्विडिटी मेंटेन का मतलब क्या है कि भैया तुम्हारे पास लिक्विडिटी कितना है तुम्हारे कैश कितना है तुम बहुत बड़े मैन हो लेकिन तुम्हारा कैश है कि नहीं डे टू डे एक्टिविटी में खर्चे करने के लिए पैसा है कि नहीं इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट जो एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट वो कर पा रहे हो कि नहीं कई बार क्या होता आपने भी देखा होगा ऐसा कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत रही से, बहुत पैसा है भतेरा किराया है गाड़ी है सब कुछ है है ना लेकिन कहीं दस रुपए खर्च नहीं करेंगे बोले पैसे नहीं है यार पैसे तो बहुत हैं लेकिन यार गोल्ड वोल्ड जमीन वमीन तो बहुत है पर ऐसा पैसे नहीं है ठीक है अब टैग मत कर देना उनको ठीक है जस्ट किडिंग तो ये क्लास उसको बोलते हैं इसी तो कंपनी होती है कंपनी बहुत बड़ी है लेबर को सैलरी सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे वर्कर को तनख्वाह नहीं दे टाइम पे अपने क्रेडिटर्स के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे स्टॉक में दिक्कत है मशीन रिपेयर